बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सराब बोर्ड में, और आज जिस कोच का मैं रिव्यू करने आया हूँ, बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग और बहुत लग्जरी कोच है। बहुत सारे मेरी वीडियोज़ आपने देखी होंगी स्लीपर्स कोच के हवाले से, जो मैं कराची से कोयटा के लिए बनाता हूँ, लेकिन मुझे उन स्लीपर कोच में मज़ा नहीं आया जो इसमें आया, जो कराची से लाहौर के दरमियान चलती है। वो डाइवो एक्सप्रेस की कोच है और बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग कोच है। आप मेरे इस तरफ उल्टे हाथ की तरफ देख सकते हैं, कितने कोई ज़बरदस्त बैट लगे हुए हैं, और सीधे हाथ की तरफ देख रहे हैं सिंगल बैट भी हैं। बहुत ज़बरदस्त कोच है, और ये वाहिद वो ऐसी कंपनी है जो कराची से लाहौर के दरमियान जो स्लीपर कोच चलाती है। बाकी किसी भी बहुत सारी सर्विस हैं, फैसल मूवर बहुत सारी सर्विस है, लेकिन किसी के पास स्लीपर कोच नहीं है। ये एक वाहिद डाइवो एक्सप्रेस है जिसके पास ये स्लीपर कोच अवेलेबल है, और इसकी डिटेल्स भी बताता हूँ मैं आपको कि कितने की टिकट है और क्या फैसिलिटीज़ हैं। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ और इसके ऊपर इसके रिव्यू भी देता हूँ कितनी कंफर्टेबल है। बस इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक बंदे से भी मिलवाना चाहूँगा, फैजान भाई, जो कि बहुत ही दूर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। अरे वाह, नीचे नीचे। अच्छा, नीचे। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई को तो भाई जानते होंगे बहुत सारे लोग, पाकिस्तान बसेस के नाम से माशाल्लाह चैनल चला रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह। फैजान भाई कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं कराची आया था, तो कराची में जो मुझे सबसे अच्छे कंटेंट क्रिएटर लगते हैं वो ये भैया, लेकिन मोस्ट अंडररेटेड यहाँ पे यूट्यूबर हैं, तो आज इनके साथ हम वीडियो शूट करेंगे। बहुत शुक्रिया भैया आपको। इनका आप कंटेंट देखें, आपको लगेगा कि मिलियंस वाला कंटेंट है। तो चलें आपको रिव्यू कराते हैं। चलें भाई रिव्यू की तरफ चलते हैं। अब मैं इस बेड का और इसका रिव्यू देता हूँ आपको, तो देखिएगा कि कितना कंफर्टेबल है। ये मैं डबल बेड की तरफ हूँ, उस तरफ सिंगल है और ये डबल की तरफ मैं हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना कंफर्टेबल है। ये देखिएगा, मैं आराम से लेट चुका हूँ और मेरे लेग अभी भी नहीं टकरा रहे उसके बाद, इतना डिस्टेंस है वहाँ पे अभी भी। आराम से 6 फुट का भी बंदा होगा वो भी आराम से लेटेगा, कोई उसको कंजेस्टेड नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा, और दूसरे बंदे की भी अच्छी खासी जगह है यहाँ पे। आप आराम से अपना रिमोट लें, ऐसा लग रहा है घर वाला सीन है भाई। ये अगर मूवी पे चले गए, मूवी लगाई, फुल मूवी वाला सीन ऑन करना है और शुरू हो जाना है आपने सफ़र करना। खैर, अभी मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। अच्छा, बैठ के एक ये है कि आपका जो हेड है वो थोड़ा सा मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन मेरे से ज़्यादा हाइट होगी तो उसके लिए थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। वैसे बेहतरीन है इसका स्पेस, और एसी की सहूलत ये देख सकते हैं कि एसी का कंट्रोल भी है, आप बंद करना चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, आपके कंट्रोल पे लाइट वगैरह। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चार्जिंग की भी कॉर्ड लगी हुई है कि यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और ये जो मेरे पीछे है ना, ये सीट नंबर भी लिखे हुए हैं इन्होंने, टिकट से सीट नंबर देख कर आप अपनी सीट ले सकते हैं, मतलब सीट तो नहीं कह सकते, स्लीपर ही बोलते हैं इसको। और हेडफोन भी मिलते हैं हर पैसेंजर के साथ, एक हेडफोन भी मिलता है, और बहुत ही कोई लग्जरी है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। कराची से कोयटा की मैंने बहुत सारी स्लीपर कोच पे रिव्यूज़ बनाए, लेकिन ये असल चीज़ जो है ना स्लीपर, वो ये है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि स्लीपर कोच अगर देखनी है तो कराची से लाहौर की डाइवो एक्सप्रेस की ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कराची से कोयटा की मैंने बहुत सारी स्लीपर कोच पे बनाई है, लेकिन इस जैसी स्लीपर कोच कोच भी कहीं नहीं है, क्योंकि ये मैट्रेस बिल्कुल रूम वाला जो आपको माहौल दिया हुआ है ना, वो किसी कोच में नहीं होगा। आपको रिफ्रेशमेंट मिलती है इसमें, आपको फूड वगैरह भी मिलता है, खाना भी दिया जाता है एक टाइम का। जी एक टाइम का। अच्छा माशाल्लाह, वैसे कोच आपकी बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल मतलब लग्जरी 5-स्टार होटल की तरह बिल्कुल कोच फैलाई हुई आप लोगों ने माशाल्लाह। अच्छा, इसके स्टॉप कितने हैं? इसके स्टॉप 6 स्टॉप होते हैं, 8 स्टॉप पे हमारा बाजार में कस्से होते हैं। अच्छा, और इसमें कितनी वेरायटी है कोच में, कितनी और भी स्लीपर में कितनी वेरायटी है आपकी? अभी हमारे पास 4 बसेस हैं, अभी 4 और आ रही हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। सही सही। अच्छा, इसमें कितनी बंदों की जगह होगी, कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं मतलब इसमें?
24 बर्थ होते हैं इसमें, 24 और साथ में सीट्स भी होती हैं, 5 सीट्स हैं इसमें। अच्छा अच्छा, सीट्स का तो कोई रेंट नहीं होता? सीट का कोई रेंट नहीं है, वो आपको कॉमन है, वो भी आपको कॉमन। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी कोच, मज़ा आया? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी, और पसंद तो आनी चाहिए क्योंकि बहुत ही कोई लग्जरी और बहुत आउटस्टैंडिंग कोच है। इस तरह की कोच मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, इस तरह की कोच और कहीं नहीं मिलेगी। डाइवो एक्सप्रेस की सर्विस के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी इस तरह की स्लीपर पूरे पाकिस्तान में। मैं आपको गारंटी के साथ बात कह सकता हूँ क्योंकि मैं कोचेज़ पर रिव्यूज़ बनाता रहता हूँ और ट्रैवल भी करता हूँ, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया भी है। खैर, आप लोग से लास्ट में मैं यही कहूँगा कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।